now let's continue with next paragraph do not use the present perfect with past time words or phrases like yesterday last night last week 5 days ago in 1995 etc present perfect ko hum पास्ट टाइम के जो वर्ड्स हैं या तो फ्रेसिस जैसे कि यस्टरडे डे बिफोर यस्टरडे लास्ट नाइट लास्ट डे लास्ट आफ्टरनून लास्ट मॉर्निंग लास्ट वीक फाइव डेज अगो फोर डेज अगो इन नाइनटीन नाइन्टी फाइव इन नाइनटीन नाइन्टी ऐसे सब के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट नहीं यूज कर सकते हैं यूज अ सिंपल पास्ट नॉट द प्रेजेंट परफेक्ट विथ अ डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट अगर पास्ट का जो डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है हमको पर्टिकुलर टाइम पता है कि हमारा टास्क कब खत्म हुआ तो उसमें हम सिंपल पास्ट लगाएंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट नहीं यूज कर सकते और क्वेश्चन वर्ड जो वैन क्वेश्चन वर्ड है उसके साथ भी हम सिंपल पास्ट यूज करेंगे अभी देखो आई हैव मैट हिम लास्ट संडे ये है वो रॉन्ग है आई मैट हिम लास्ट संडे है वो राइट है इसमें हम हैव नहीं यूज करेंगे हम सिंपल पास्ट यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट नहीं यूज करेंगे इन द सेम वे वैन हैज ही फोन तो ये भी रॉन्ग है उस वैन डिड ही फोन है वो राइट सेंटेंस है जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो ज्यादातर जस्ट ऑलरेडी और यट के साथ यूज होता है फॉर एग्जाम्पल ही हैज जस्ट आउट अब पे जस्ट है तो हैज और गॉन यूज हुआ है तो ज्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट है वो जस्ट ऑलरेडी एंड यट के साथ यू, यूज होता है आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड द लेटेस्ट नाउ नेक्स्ट वी यूज जस्ट विद द प्रेजेंट परफेक्ट वेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपन अ वेरी शॉर्ट टाइम अगो हम जस्ट प्रेजेंट परफेक्ट के साथ तब लगाते हैं जब बहुत शॉर्ट टाइम पहले कोई चीज हुई होती है वी यूज ऑलरेडी फॉर थिंग्स फर्दर इन दास्ट और हम ऑलरेडी यूज हो ऑलरेडी यूज करते हैं जब जो थिंग्स जो पास्ट में हो चुकी होती है उसके लिए और हम यट यूज करते हैं वी यूज यट वेन वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग टू हैपन जैसे कोई चीज होने वाली है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज होगी तो उसके साथ हम यट यूज करते हैं यट इज यूज इन दिस वे ओनली इन क्वेश्चन एंड नेगेटिव और ज्यादातर जो यट है वो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में और नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होते हैं